हेलो फ्रेंड्स, किरण द निटर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको डोर मैट बनाना बताया था, आप टेबल मैट भी बोल सकते हैं उसको, टेबल पे बिछा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसकी जो जो किनारे किनारे पे जो हमने ये बीडिंग की है, इसको हम कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं इसको कैसे बनाया जाए। देखिए, ऑब्जेक्ट वही है हमारे पास, टेबल मैट। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ये क्रोशिया हुक है, इसको देखिए यहाँ से इसको डालेंगे और ये देखिए इसकी दो चैन डालेंगे, देखिए 1 2। अब इसको बनाना शुरू करते हैं, डबल क्रोशिया करेंगे यहीं से ही। देखिए पहले दो में से और फिर दो में से फिर दोबारा एक डबल क्रोशिया, ये फिर हम इसको डबल क्रोशिया करेंगे इसी में से ही। देखिए ये तीन है हमारे पास ये, और दो में से निकालेंगे पहले, फिर हम फिर दो में से निकालेंगे। ये हमने दो बना लिए इसके, 1 और 2। फिर दोबारा वैसे ही देखिए ऐसे, फिर इसको ऐसे करेंगे। ये हमने 3 बार कर लिया। अगर आपकी ये वूल पतली है तो आप 3 बार करें, और अगर आपकी 4 बार करें। अगर आपकी वूल मोटी है तो आप इसको 3 बार भी ये डबल क्रोशिया कर सकते हैं। अब थोड़ी वूल जब पतली है तो इसका मैं 4 बार, इसको चौथी बार फिर कर रही हूँ, 4 टाइम। देखिए ऐसे दो में से निकालेंगे, फिर दो में से निकालेंगे। जितनी आपको ये मोटा चाहिए हो, आप उतना 4 बार, 3 बार, 5 बार, जितने बार आप डबल क्रोशिया करना चाहे इसमें से कर सकते हैं। देखिए ये हो गया है, 4 बार कर लिया मैंने। अब इसको मैं यहाँ पे ये आता है यहाँ, इसको मैं इसका ये सिंगल स्टिच, देखिए इसको ऐसे हम कर देंगे। ये देखिए कितनी सुंदर लगता है ये। फिर हम इसको दोबारा ऐसे करते जाएंगे, दो चेन डालेंगे, 1 2, और फिर डबल क्रोशिया करेंगे इसी में से। देखिए जिसमें हमने ये सिंगल क्रोशिया किया पहले, ये कर लेंगे। देखिए दो हो गए ये, इसमें से निकालेंगे दो में से, फिर दो है हमारे पास, फिर निकालेंगे। ये 1 टाइम हो गया आपका। देखिए टू टाइम हो गया, देखिए 3 टाइम हो गया, और ये हम इसको 4 टाइम हमने ये कर लिया है, देखिए ऐसे। और इसको यहाँ ये आके से ही बैठता है, वहाँ हम इसको सिंगल स्टिच देखिए ऐसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए बनना शुरू हो गया है। आप इसको सारा ऐसे ही पूरा करेंगे, एक मैं आपको करके और बता देती हूँ। देखिए यहाँ हमने सिंगल स्टिच किया है, वहीं से हम दो चेन डालेंगे, 1 और 2, फिर हम इसमें डबल क्रोशिया करेंगे उसी में ही। देखिए ऐसे, फिर दो में से एक, फिर दो आगे हमारे पास, दो में से एक, फिर वैसे ही यहाँ डालेंगे इसमें उसी में ही बार बार। ये दूसरी टाइम करा है हमने, देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे, दो का एक, और फिर दो है हमारे पास स्टिच, फिर दो का एक, 3 टाइम हो गया ये हमारा अब 4 टाइम। देखिए ऐसे, ये हमने इसको
फोर टाइम कर लिया है। और यहाँ ये सेट आता है, इसको यहाँ पे सिंगल स्टिचेस का कर देंगे। देखिए अब मैं ये सारा आपको करके बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा होने को है। ये मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा था, इसलिए मैंने इसको थ्री लूप का ही कर दिया है, फोर लूप नहीं रखे हैं इसमें। एक बार आप देख लीजिए, दो चैन डाल दी मैंने। देखिए एक एक लूप हो गया ये, दो हो गए, और ये तीन तीन लूप का ही इसको मैंने रखा है, क्योंकि ये मेरा ऑब्जेक्ट छोटा है, इसमें मोटी मोटी बीडिंग अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने इसको थ्री लूप का ही बना दिया है। देखिए ये देखिए ऐसे, अब ये कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये मेरा ख़त्म हो गया, यहाँ पे मैं डालूँगी इसके साथ ही, और इसको हम यहाँ पे ऐसे फिनिश कर देंगे। इसमें से धागा निकाल देंगे। देखिए इसमें से ये धागा हम निकाल के इसको बंद कर देंगे, और ये पीछे को हम इसको सिल देंगे। देखिए ये तैयार है ऑब्जेक्ट बनके, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया पूरा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये छोटा सा। आप इसको अपने टेबल पे बिछा सकते हैं, अपने डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसके फ्लावर के साथ, उसमें हम फ्लावर बनाना बताएंगे कि फ्लावर इसका बीच वाला जो है वो कैसे बनाया जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।